हे गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ गोवा। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं नॉर्थ गोवा की सैर में। फाइनली हम पहुंच चुके थे थेवम स्टेशन। हमने गोवा की जर्नी करी थी ट्रेन से, जो कि थी LTT टू मडगांव। तो चलती वो ट्रेन बम्बई में LTT से है, बट हम पनवेल से बैठे थे। इन केस अगर आप साउथ गोवा का प्लान कर रहे हैं तो आप मडगांव स्टेशन पे उतर सकते हैं। इन केस आप पंजिम जाना चाहते हैं तो आपके लिए करमाली स्टेशन बेस्ट है, बट हमें जाना था अंजुना। तो हम थेवम स्टेशन पे हम उतरे थे। थेवम स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको मिलेगा गोवा प्रीपेड टैक्सी का काउंटर, जिसमें इस टाइप की स्लिप आपको दी जाती है। एंड विद इन 20 मिनट्स ऑफ वेटिंग आपको टैक्सीज मिल जाती हैं, बिकॉज ट्रेन आती है तो एक साथ रश आता है, या तो फटाफट जाके कोई यहाँ लाइन पे लग जाए तो आपको स्टार्टिंग में ही टैक्सी जल्दी से मिल जाएगी। हमें 20 मिनट्स का वेट करना पड़ा था। इसके अलावा वहाँ पर प्राइवेट टैक्सीज भी अवेलेबल हैं। सो ये था हमारा अंजुना का स्टे, जो कि मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शूट किया था, क्योंकि उस दिन हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। पूरा हो विला टूर मैं आपको बाद में दूंगी विद सर्विसेज एंड चार्जेस। फिर हम निकल चुके थे डिनर के लिए, थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर किया एंड थोड़ा बीच में मस्ती करी। लेट्स सी। हाँ, अभी पहले एक दिन तो एक्सप्लोर करना चाहिए, फिर उसके बाद कल मॉर्निंग में पक्का। आंटी अरे अभी बहुत थक गए, अभी आए ट्रेन से सुनवा रहे पापा तुमको चांद तक सोचना पड़ेगा। पराठा मिलेगा और एक ये पनीर बटर मसाला, इसमें स्पाइसी नहीं होता ना। स्पाइसी मत करिएगा, अगर होगा भी तो मत करिएगा। रोटी में क्या? क्या करेगा, कहाँ जा रही है? सो थके तो बहुत है, लेकिन अब सी बीच थोड़ा तो बनता ही है फर्स्ट डे में जाना। क्या कह रहा जोगी? हमारा व्लॉग एडिट करिए, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके बाय। तो अभी हम जा रहे हैं अंजुना बीच की तरफ, और ये है रास्ते की कुछ मार्केट। आएंगे बाद में आएंगे, अभी का हाल देख के तो लग रहा है टूरिस्ट गोवा में इस बार कम आए हैं कंपैरेटिव जो हम लोग आज से 6 साल पहले आए थे, है ना? आज मैं अपनी फेवरेट मिनी कार, ओके बाय, सब्सक्राइब चैनल। ठीक है, अब तुम बस यही बोलते रहो। इधर से हम आए थे, इधर हमारा जाके होटल है, और इधर हम गए थे डिनर करने के लिए अंजुना भी। यहाँ पे ऐसी शॉप्स बहुत सारी हैं जिसमें अलग अलग टाइप के पर्सेस, बट कुछ कुछ स्टफ यहाँ पे ऐसा है जो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। वो बीच टॉयज यहाँ ऑलरेडी हैं, हमने ले लिए। सेम ड्रीम कहते हैं ना, बाद में देंगे प्राइस नहीं चाहते सब। हाय, बस ऐसी शॉप्स पे ही मेरा दिल आ जाता है। सब ले लो, सब सब ले लो, मन करता है उठा के सब भर लो।
वेट फाइनली ओवर। बीच पे, गोवा के बीच पे फाइनली हम आ चुके हैं और यहाँ बहुत सारा म्यूज़िक, खाना पीना हमारा डन क्योंकि आज दिन का खाना कुछ हुआ नहीं था तो आज हमारा डिनर जल्दी हो गया। अभी तो यहाँ बहुत अंधेरा हो रहा है। ओह माय गॉड, यहाँ देखो यहाँ लाइट पड़ी, इधर आओ चलो इधर, और क्या पैर मेरे पीछे। पीछे पीछे पीछे, उसका हाथ पकड़, अरे मिट्टी फिसलती है ना पैर के नीचे। अपनी तरफ है बट ये सब गंदगी ना करें क्योंकि सी उनको ही वापस करता है। तो वो क्या कर रही है? अभी तो आपके पास सैंड टॉय ही नहीं है। बिट्टे से खेलने का इतना मन कर रहा है। ¡Calma!
बाद भी बीच का हो गया। कैसा लगा रूबी, मजा आई? बीच में आठ मिनट खुशी हो गई। क्या हो गई? जा रही हूँ मैं घर। घर जा रही हो? क्यों, क्या करा आपने बीच पे? बिजी हो गई रूबी तो अब बिजी हो गई है सैंड खेल के। और कुछ एनर्जी बची है पापा? बहुत थक गए भाई। रूबी आपके पास एनर्जी बची है? नहीं। तो ठीक है फिर अब ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब बिल्कुल भी व्लॉग करने की एनर्जी नहीं बची, आँखों में नींद ही नींद बसी हुई है। तो बेटर है मॉर्निंग में फ्रेशली स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर एंड डू लाइक सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।